स्वाभाविक रूप से बंगाल में जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है, आपको ध्यान में होगा कि जिस प्रकार से कांड को मिटाने के लिए, साक्ष्य को मिटाने के लिए बंगाल के सरकार ने हर स्तर पर प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से कोई उजागर ना हो पाए, ये ममता बनर्जी को इस बात को दृष्टिपात निश्चित तौर पर करता है कि वो कहीं से भी मानने को तैयार नहीं थे। और स्वाभाविक रूप से जो स्वाभाविक स्पंदन होनी चाहिए, जो रिएक्शन है, जो देश भर में जो डॉक्टर के जिस प्रकार से निर्मम हत्या का प्रकार बताने की आवश्यकता नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से संज्ञान में लिया गया। पूरा देश मर्माहत है इस सब से। और हद तो तब हो गई कि ममता बनर्जी अब कह रही है कि देश से लेकर, सब जगह से लेकर, बिहार से लेकर सब जगह आंदोलन के स्वरूप का परिणाम अगर कुछ होता है बंगाल को, तो और हम देश भर में करेंगे। यानी कि एक तरह से गलती भी करना और ऊपर से धमकी भी देना, वो बंगाल में जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रश्रय देने का काम हो रही है, ममता बनर्जी भूल रही है कि देश के अंतर्गत हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार लगातार हो रहा है और विरोध हम लोग भी कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी हिंदुओं को संरक्षण नहीं देने दे भी नहीं रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से दे रही है। तो लगातार बांग्लादेश में घटनाओं का क्रम तो हुआ ही है, बंगाल में भी बांग्लादेशियों के द्वारा जिस प्रकार से घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे हिंदुओं के द्वारा हो रहा है, असंख्य हो रहे हैं, कुछ उजागर हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, पर ममता बनर्जी के टिप्पणी को घोर विरोध करते हैं कि जिस प्रकार से वो धमकी दे रही है देश भर में अशांति फैलाने के लिए और खुर्शीद आलम भी, तो ये पूरी तरह से साजिश इंडिया गठबंधन की है कि परिसर देने के साथ और हिंदू के साथ जिस प्रकार से घटनाक्रम बांग्लादेश में हुआ किसी ने विरोध जाहिर नहीं किया, ये कहां का प्रश्न है और ऊपर से धमकी देने का काम करिए, तो निश्चित तौर पर घोर विरोध आपत्ति दर्ज करते हैं कि इस प्रकार का व्यास ममता बनर्जी ना दे। ममता बनर्जी का यह भी स्टेटमेंट आया है रेप को लेके अलग कानून बनाएंगे। मन की जागृति अगर उस प्रकार से हुई है पूर्व में तो कहीं भी इस प्रकार का उदाहरण नहीं हुआ है, वो भी स्वयं महिला है, स्वयं इस बात को सोचने का काम करे कि अगर इस घटनाक्रम में थोड़ा सा न्याय मिले तो निश्चित तौर पर मृत आत्मा को भी शांति मिले। अच्छा, कि चंपाई सोरेन अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है, 30 तारीख को भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इस प्रकार निश्चित तौर पर उनको ध्यान में आया है कि झारखंड राज्य इस प्रकार से अलग अलग समस्याओं से, ईशान मिशनरी से लेकर, घुसपैठिया से लेकर जो हुए हैं उजागर, राजराष्ट्रवादी विषय को लेकर बढ़ने का काम, प्रांत को संरक्षित करने का काम, आदिवासी मूल को संरक्षित करने का काम, देश की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति भी आज आदिवासी समाज से है, तो भारतीय जनता पार्टी ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उस विकास और विकास रथ के विश्वास के साथ आने का काम करते हैं, तो स्वाभाविक चिंतन होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।